तुझ में आदि होगी। आदियोगी की यह प्रतिमा तैयार हो रही है। इसका मकसद आदियोगी फैन क्लब बनाना नहीं है, इसका उद्देश्य आध्यात्मिक प्रक्रिया को एक विज्ञान के रूप में वापस लाना है। किसी फिलॉसफी के रूप में नहीं, विश्वास प्रणाली के रूप में नहीं, धर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक विज्ञान के रूप में। जिस तरह से एक विज्ञान और तकनीक है बाहरी खुशहाली के लिए, उसी तरह एक विज्ञान और तकनीक है आंतरिक खुशहाली के लिए। क्या आदि योगी ऐसे ही दिखते थे? बात वो नहीं है। क्या वो आपको अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं? बात बस यही है। 112 फुट इसलिए क्योंकि उन्होंने 112 तरीके बताए जिनके जरिए इंसान अपनी परम प्रकृति को पा सकता है। ये 112 रास्ते उन 112 चक्रों के कारण हैं जो भौतिक शरीर में मौजूद हैं। आंतरिक विज्ञान को हर किसी के जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए, ताकि योग कोई अभ्यास ना हो बल्कि आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। इसे दुनिया का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि इंसानी खुशहाली की खोज में हमने इस धरती पर हर तरह का पागलपन किया है, लेकिन इंसानों का जीवन खुशहाल नहीं हुआ है। बाकी बहुत कुछ हो चुका है, क्योंकि अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो इसकी राह अंदर की ओर है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है।